तो भैया बोली चल कोई बात ना, कोई से बात करते हैं। तू जा टांडे को मुखिया होयो, तू जा टांडे को मुखिया होयो, चाहे खेचे फिर रहो सो यमुना की पार में, यमुना की धार में डुबाए के मार दे। कन्हैया विचार करे ज्यादा बुरी बुरी कहन भाई, जैसी सकल है तैसी बात है। कन्हैया समझ गए ज्यादा बुरी बुरी केन भाई है, आगे बढ़े कुबिजा के पाए के ऊपर पांव धतो, रिसके मारे चटक गई। तो दी कतुना तेने मेरे पैर फोटो, तब तक कन्हैया ने कहा से थोड़ी पकड़ ली और बहु का सीधी कर दई और आगे अरे बनाई दई अति सुंदर काया, पाइनों में गिरी बहलाए ध्यान जाए तब पिछलाया भैया, गिरी ध्यान भगवान के चरणों में लगाया, समझ गई याद आ गई पुरानी पहचान चंडी भगवान की, और बोली कन्हैया क्या मेरे घर नहीं चलोगे, पाइन में गिरी भैराए जान जाए तब पिछलाया भैया, जाने जांच कर ली कन्हैया से कहा क्या मेरे घर नहीं चलोगे, कन्हैया बोले पहले मामा से मुलाकात करनी है उसके बाद जरूर आऊंगा। कन्हैया उसके बाद में वहां गए, यहां कंस का धनुष रखा हुआ था, धनुष रखा हुआ था,
क्या देखा पहरेदार लगे हुए हैं। कन्हैया ने कहा हट जाइए, हमें अंदर जाना है। हट जाइए, हमें अंदर जाना है। जवानों ने कहा महाराज का आदेश, कोई अंदर नहीं जा सकता। कन्हैया बोले तो आज हमें कोई रोक भी नहीं सकता, क्योंकि बोले कि हम झुके और इसी कदरी झुके जैसे देरी धुक जाती है। ये बास बादाम के सुपुत्र हैं और दत्ता सभ्य हमारे साथियों के लिए और दत्ता सभ्य कलशवादी कन्याओं के लिए खड़ी हो जाए। और ये खार आया है राम हरि यादव, ये मनोज भैया के मामा जी हैं, उनकी तरफ से। कन्हैया जब आज बड़े रथ तोड़ने के लिए जो रोकने के लिए आए, कन्हैया ने जवाब दिया, आगे बढ़ करके धनुष को उठा करके झटका दिया, तोड़ करके जमीन पे गिरा दिया। घोर शब्द हुआ, घोर शब्द हुआ। कंस समझ गया कन्हैया आ चुका है, अगर धनुष तोड़ दिया है तो वो साधारण इंसान नहीं है। उसके बाद कन्हैया वहां गए जहां मामा का दरबार लगा हुआ था,
क्या देखा कन्हैया ने प्रथम गेट पे कुबिलिया पीर हाथी खड़ा है। ये 500 रुपए के हार से हमें सम्मानित कर रहे हैं और 100 रुपया हमारे साथियों के लिए ब्रजेश यादव मऊआ खेड़ा ये रबीस भैया के बहनोई हैं उनकी तरफ से कामना करते हैं सदैव समान का सम्मान मिलता रहे सद्बुद्धि बनी रहे। श्री गोविंद भगवान की जो दोबारा खड़ी तो रहे हैं कन्हैया ने क्या देखा प्रथम गेट पे हाथी खड़ा हाथी चिंगार मार रहा है। कन्हैया बोले भैया हाथी हटा लीजिए। पीलवान बोला ये हाथी तेरे लिए लगा है। कन्हैया बोले मेरे लिए हमें कहां बैठने की कोई शौक है हाथी हटा लो अंदर जाना है। पीलवान बोला तुझे मारने के लिए हाथी लगा है। कन्हैया बोले मारवे के लिए भैया हम का बिना बुलाया है। ये रघुपति परिचित महाराज जी खड़े हो जाओ।